नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। हरैया के मझावा बाबू गांव में सफाई कर्मी की नियुक्ति 3 की गई हैं। वहां के कप्तान सिंह का कहना है कि एक सफाई कर्मी गांव में दिखाई नहीं देता है। इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया, परंतु अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं जिले के अधिकारियों से इसकी शिकायत करूंगा। अब देखना होगा कि अधिकारी उस पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि साफ सफाई करने में गाँव में हो रही है समस्या। हमारे गाँव में पेंशन की समस्या है। जिसकी पेंशन आ रही थी उसकी पेंशन आना बंद हो गई है, जबकि वह पेंशन के पात्र है। पेंशन उनको मिलनी चाहिए। बारात घर न होने के कारण पूरे क्षेत्र के लोगों को बारात ठिकाने में होती है समस्या। बरसात के मौसम में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जल जीवन मिशन का कार्य चल रहा है, परंतु कार्यदायी संस्थान सड़क को तोड़कर गांव के रास्ते को कर दिया है बेकार। कार्य भी बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। आंगनबाड़ी का प्रस्ताव मैंने दिया है, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बने और बच्चों को पोषाहार मिले। अभी ग्राम सभा में आवास के पात्र बहुत बाकी हैं, लेकिन साइड न खुलने के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सरकार की जो भी योजना है पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। बस्ती से दिलीप कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। बस्ती के हरैया ब्लॉक के ग्राम सभा मझौवा बाबू के धाम कप्तान तिवारी जी हमारे साथ। कप्तान तिवारी ये बताएं कि गांव की समस्याएं आपको क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, जिसका प्रस्ताव दिया गया है जी। बारात घर अगर हो जाए दो गांव में, बारात रुकने की समस्या बहुत ज़्यादा है। बारिश हो जाती है, किसी प्रकार कोई बात होती है तो बारात घर हो जाए। पेंशन में कुछ कमी आ रही है कि किसी किसी का आधार में कोई कमी है तो कुछ ना कुछ समस्या है। जो पुरानी पेंशन में है वो भी रुकी पड़ी है। यही सब समस्याएं हैं। अगर ये सब हो जाए, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है। पाइप वाइप लाइन पड़ा है, कहीं कहीं टोटी वगैरह भी लग गया है। यही कार्य सब चल रहा है। सफाई कर्मी तो हमारे यहाँ दो बढ़िया हैं, आते हैं मझौवा ग्राम पंचायत, जो मझौवा राजस्व ग्राम है, और एक धनियावा के हैं, वो भी अच्छे आते हैं। हमारे जो गाँव में है पनेरा भारी में, वो सफाई कर्मी आता नहीं, नदारत रहता है और कभी कभी आता है। क्या नाम है उसका? नाम है शिव प्रकाश नाम है। वो कभी कभी आते हैं और दो तीन महीना तो कंटिन्यू आए ही नहीं थे। इसकी शिकायत हम ब्लॉक पर भी किए थे। हाँ, और तो लगभग ठीक है। जो भी है आवास की जांच की थी अपनी गांव में। आवास में तो कई लोग पात्र हैं, लेकिन अभी आवास आ नहीं रहा है जी। हाँ, दो चार विकलांग आवास आया था, चार लोग पात्र पाए गए, चार लोग लीव उन्हें दिया गया। एक आपदा आवास आया था वो भी पाए हैं। पानी निकासी क्या स्थिति? पानी निकासी तो जल भराव बारिश में रहता ही है, लेकिन वो इसी कोई बहुत समस्या नहीं है जी। चलो, सरकार की बहुत सी योजनाएँ हैं जो ग्राम सभाओं तक नहीं पहुँच पाती हैं, उसके लिए क्या काम करें? अब हम लोग तो सोच रहे हैं जो पात्र व्यक्ति हैं वो लाभ पाएँ जी। लेकिन अभी तक है कुछ समस्याएं आ रही हैं, लेकिन लगभग लोग जो भी आ रहा है वहाँ से अब ब्लॉक स्तर पर आता है तो हम लोग उसे गांव में पहुँचाने काम करते हैं जी। हाँ, और यही विश्वास रहता है कि काम ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, लेकिन कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं कहीं कोई। अच्छा, ये हमारे चुनाव में जो कोई आपका विरोधी है और पात्र है तो क्या उसको भी ना? हाँ, उस अगर वो पात्र है तो उसे भी दिया जाएगा। उसे राजनीतिक व्यक्ति से नहीं देखा जाओ। अगर पात्र है तो आवास का पात्र आवास पाएगा, सोख तक पात्र है वो पाएगा, या और कोई सरकार की योजनाएं हैं तो उसे भी दिया जाएगा। कोई द्वेष भावना से राजनीति नहीं किया जाता। ठीक है, न्यूज 24 से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।